अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आए हुए हैं मिर्दिफ मॉल और यहाँ पे ये टॉयज आर अस है शॉप, और मैं देखने आई हुई थी अपने भतीजे के लिए कोई टॉय, और पहले मैंने खुद देख लिया। मेरा प्लान था कि खुद ही लेके तो परचेज़ कर लूँ। भाई को मैंने बाहर खड़ा किया हुआ था, लेकिन जो भाई ने बताई थी चॉइसेस, करंट चॉइसेस, उनके मुताबिक यहाँ पे टॉयज़ नहीं थे। फिर मैंने भाई को अंदर बुलाया और उससे भी एक दफ़ा दिखा लिया तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिला। उससे पहले भी हम एक शॉप पे जाके देख चुके थे तो हमें नहीं कोई चीज़ मिली। बेसिकली मुझे लेना है अच्छा सा रिमोट कंट्रोल वाला एक मोटा ताज़ा सा मॉन्स्टर ट्रक। उसके बाद हम लोग आए बॉर्डर्स पे। बॉर्डर्स का यहाँ पे मिर्दिफ में अब तक मुझे सबसे बड़ा आउटलेट लगता है, बाकी जितने भी मॉल्स हैं वहाँ पे इतना बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे भी ना मिले ये पॉसिबल नहीं था। सो यहाँ पे हम आए तो काफ़ी अच्छी रिमोट कंट्रोल कार वगैरह भी थी, लेकिन मुझे लेना था मॉन्स्टर ट्रक। बहुत पसंद आ रही है, बहुत ही पसंद आ रही है। क्रेजी हुआ कहते हैं, हम ही अभी से ही बुक पढ़ रहे हैं। मैंने अपने फ्रेंड के साथ भी रवि की डील की है। मिशू गॉट प्लेड, बच्चे आए और चीजें ना ले, हो नहीं सकता। इसने भी ले ली, इसने भी ले ली। घर आने के बाद पहले हमने पेप्सीज वगैरह पी, वो हम सबको ही बहुत पसंद है, तो एक सेशन उसका चला। फिर उसके बाद एक चाय का सेशन चला, और फिर उसके बाद हम लोग जो है ना भूख लगना शुरू हो गई, तो ये शहजाद बेकर्स हाउस से लेकर आए थे स्नैक्स वगैरह, बर्गर्स हैं, पिज्ज़ाज हैं, छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि हमने बहुत हैवी नहीं खाना था, ना ही मैंने खाना घर पर बनाया था। आज भाई के साथ लास्ट मीटअप था, तो फिर हमारा प्लान था कि बस बैठ के गपशप लगाएं, और वैसे भी शाम में हमने जाना था भाई को लेके बफे, और वो बहुत ही मज़े का होता है, तो पेट भरा हुआ होगा तो फिर क्या फ़ायदा। तो बस हमने जल्दी जल्दी थोड़े बहुत स्नैक्स खाए, आधे से ज़्यादा तो बच गए थे, और बस उसके बाद फिर और गपशप लगाई, उतनी देर में जाने का टाइम हो गया। कैसे कर लेते हो? कैन यू डू इट मिशू? वो देखो नया एक्शन। वो मेरे वाला करो ना, वो कर सकते, वजह से सारी एक दूसरे के ऊपर लगानी थी। वो दो हाथों से होती हैं, वो जो एक फिंगर्स एक दूसरे के ऊपर नहीं लगाते थे ऐसे। हाँ वो तो हम ही कर रहे हैं। हाँ ये वाले मम्मी एक नया एक्शन किए थे, हम ही का था। मैं ये चेक दोबारा करो तो बहुत क्रेजी। यहाँ पे फ्लैग इन्होंने नीचे किया हुआ है, और ये इसकी क्वीन एलिजाबेथ की डेथ की वजह से, तो हम इसी पे डिस्कशन करते जा रहे थे। हम जा रहे हैं अजमान, और जहाँ पे हमने भाई को बफे कराना है, उसका मैंने अक्सर आपसे जिक्र किया हुआ है, हमारे लिए बहुत स्पेशल जो हमारे लिए लोग होते हैं बस उनको हम वहाँ पे लेके जाते हैं। और ये है रमादा बीच होटल, और आप किंग्स ग्रिल लिखेंगे ना अजमान किंग्स ग्रिल तो आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे इनका मेन्यू बहुत वर्सेटाइल होता है और बहुत वेराइटी होती है। आई थिंक 100+ आइटम्स हैं। फिश भी है, बीफ है, मटन है, चिकन है, हर चीज़ है, सूप्स हैं, स्टार्टर्स हैं। बस मैं सारी चीज़ें देख रही हूँ। देखें समोसे और किबे वगैरह भी पड़े होते हैं, और ये राइस हैं, पोटैटो राइस तो बहुत मज़े के थे इनके, और साथ में ये सारा वेजिटेबल्स बनी हुई हैं, क्योंकि जो लोग वेजिटेरियन होते हैं वो उनके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन होता है। और ये हैं जी सॉटेड वेजीज और स्टीम्ड वेजीज, और ये पार्मिजान चीज़ है, और साथ में ये हैं स्पगेटीज। सो अब आते जा रहे हैं हम मीट की तरफ। ये सी फूड की कोई करी थी, मुझे अब याद नहीं रहे नाम, और ये थी जी बिरयानी, चिकन बिरयानी, और ये चिकन स्ट्रगनऑफ था, मैंने बहुत मज़े से खाया था, मुझे अच्छा लगा था, मैं इंशाल्लाह खुद भी ट्राई करूँगी कभी, कभी नहीं बनाया। ये मटन बिरयानी थी, और ये बीफ कबाब, और साथ में फिश टिक्का। हर तरह की वेराइटी होती है, ये चिकन और मटन है। सो अब आपको दिखाते हैं जाके, ये सारी जो लाइन है ना पूरी, इसमें आइटम्स ही आइटम्स होते हैं, फूड आइटम्स। ये डिजर्ट्स हैं, चॉकलेट है, और ये ओम अली है, और उसके अलावा ये सारे केक्स एंड पेस्ट्रीज और कस्टर्ड्स, मूज, ये सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। तकरीबन 25+ तो इनके सिर्फ डिजर्ट्स हैं, और बहुत ही वास्ट मेन्यू है, और एक से बढ़ के एक हर चीज़ का टेस्ट है। मैं हर बार इनकी बहुत तारीफ़ें करती हूँ, बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है, हम अपना पे करके आते हैं, अच्छा खासा ये एक्सपेंसिव है, लेकिन वर्थ द मनी है, ऐसा कह सकते हैं हम। और आके फिर अच्छे से खाना भी खाते हैं, डिजर्ट्स भी खाते हैं, और बस खुशी खुशी वापस जाते हैं। ड्रिंक्स ऑर्डर कर दिए? अच्छा ठीक है। सो
सबसे अच्छी बात यह है कि भाई को मेन्यू बहुत अच्छा लगा था और भाई बहुत टेस्टी भी उसको लगा था और सही कह रहा था कि मैंने अच्छे से पेट भर के खाया। और मिशारी जो है ना, वो तो कॉलीफ्लावर और ब्रोकली, उसको बहुत शौक है इन चीज़ों का। घर पे एक बार मैं ब्रोकली लेके आई थी, इसने नहीं खाई थी, बट यहाँ पे ट्राई की है, अब इंशाल्लाह घर पे खा लेगा। तो ये भाई की प्लेट है और ये मेरी प्लेट है, हम दोनों ने सैलेड से भरी हुई है प्लेट, और उसके बाद नेक्स्ट सेशन हम लगाएंगे। अभी शहजाद भी आ गए हैं, शहजाद मेरी बहुत अच्छी सी हेल्प करते हैं, बहुत अच्छे हस्बैंड है माशाल्लाह। उन्होंने पहले मिशारी को खाना डाल के देना होता है, फिर अपना लेकर आए हैं। बस खाना वगैरह हमने खा लिया था, असल में बातें इतनी करते रह गए। मैं जब भी इधर आती हूँ ना, मैं आपसे इंस्टाग्राम पे साथ साथ अपनी हर प्लेट की पिक्चर शेयर करती हूँ, फिर सारे लोग मुझे बोलते हैं कि इतना खाती हैं, आपका वेट क्यों नहीं आप गेन करती। तो वो एक ही बार खाते हैं, हम कौन सा यहाँ रोज जाते हैं। लेकिन ये है कि इस बार बातों में इतना हम लोग बिजी थे कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। तो बस ये डिज़र्ट जब मैं ले रही थी तो उसकी फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने कितना कुछ इकट्ठा कर लिया था। और मज़े की बात है कि सब इतना टेस्टी होता है कि मज़े से आप सारा कुछ खा भी रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि खाया नहीं जाता और बस भर भर के रख लिया। तो ये है जी सारी मेरी डिज़र्ट प्लेट। और वैसे ये जो स्क्वायर्स बने होते हैं ना पेस्ट्रीज़ के, ये बहुत छोटे छोटे से क्यूब्स होते हैं, सो कैमरा में ऑब्वियसली इतने बड़े लगते हैं, लेकिन बहुत टाइनी टाइनी से होते हैं कि आप मल्टीपल आइटम्स जो हैं वो ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद शहजाद ने मुझे बना दी चाय, खाना वगैरह हम खा चुके थे और फिर भाई और शहजाद भी चाय बनाने गए। बस जी उसके बाद हमारे जाने का टाइम हो गया और मिशारी तो छोड़ ही नहीं रहा था अपने मामू को, उसको ये कि बस मैं साथ साथ रहूं। उसको आइडिया हो गया था कि ये चले जाएंगे, पहले भी आए थे चले गए थे अब फिर चले जाएंगे, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इस बार जो है वो जाके फिर उसके बाद पता नहीं कब चक्कर लगे भी या नहीं, नो आइडिया। तो एनीवेज गुड बायज आर ऑलवेज हार्ड और मिशारी फिर वही सब कुछ शुरू हो गया। लेकिन इस बार मिशारी रिलेटिवली कम रोया था क्योंकि मैंने मिशारी को लालच दिया था एक टॉय का, उसको सोनिक पसंद है आजकल, तो मैंने कहा था कि मैं सोनिक आपके लिए अमेजोन ऑर्डर करने लगी हूँ, तो फिर उसकी एक्साइटमेंट में वो थोड़ा बहुत हैंडल हो गया था, वरना रोया वो भी था। अभी मिशी को भाई नीचे खड़ा करेगा और मिशी फिर से इस तरह की हरकत करता है कि छोड़ता ही नहीं है ना, तो भाई को रिसीव करने आ सके ना ही भाई को जो है एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने जा सके, क्योंकि डे टाइम की फ्लाइट्स थी और शहजाद की प्रोबेशन चल रही है, 2 मंथ्स की इंशाल्लाह रह गई है, 6 महीने की प्रोबेशन है ना, तो शहजाद इतना निकल ही नहीं सकते। इवन जब मैंने पाकिस्तान जाना था तो शहजाद को मिशारी को साथ लेके ऑफिस जाना पड़ा। तो बस इंतज़ार ही कर रहे हैं कि सब खैरियत रहे इंशाल्लाह और प्रोबेशन कम्प्लीट हो, ताकि इस तरह के काम जो हैं वो मतलब वही तो मेमोरीज होती हैं। ये देख लें वो स्टेडियम है जिसमें पाकिस्तान जो है वो फाइनल हार गया है क्या हो सकता है, लेकिन ना हमें एक्चुअली पसंद नहीं है क्रिकेट, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए हम भी देखने नहीं गए, वरना बहुत से लोग देखने गए थे। घर आ गई हूँ और शहजाद बच्चों को लिटाने के लिए चले गए थे, लेकिन मेरा ज़रा थोड़ा सा दिल नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। तो वैसे भी अब मैंने अपनी एक फ्रेंड है उसके घर जाना है वीकेंड पे, क्योंकि उनकी अम्मी वापस जा रही हैं। आपको याद होगा मैंने दिखाया था कि उनके साथ हम लोग स्विमिंग वगैरह करने के लिए ऊपर गए थे हमारे बिल्डिंग में ही, और वो उन्होंने आके हमारे साथ डे स्पेंड किया था। तो बस वही फैमिली है, उनकी मदर वापस जा रही हैं और उनको मैंने कहा हुआ था कि मैं आपके लिए आंटी ग्रेनुला बना के लाऊंगी, तो इस वजह से ज़रूरी था कि मैं ये बना लेती हूँ, और वीकेंड पे बस हम उनके पास जा रहे हैं तो उनको मैंने एक ग्रेनोला देना है ताकि पाकिस्तान अपने साथ ले जाए। तो ये मैंने लिया है बटर और पीनट बटर और साथ में इसमें हनी है, और इन तीनों को मैंने माइक्रोवेव कर लिया और मिक्स कर लिया है। माइक्रोवेव जस्ट ऐसे 30-40 सेकेंड्स के लिए कि जब जिस तरह ये पीनट बटर थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और ये मैं राइस क्रिस्पीज ले रही हूँ अपने लिए, मैं राइस क्रिस्पी ट्रीट बना रही हूँ। इस बार प्लान था बार्स बनाने का, और पहले मैंने 3 कप राइस क्रिस्पीज डाले जो कि अप्रोप्रिएट अमाउंट थी, लेकिन फिर मुझे पता नहीं क्या ख्याल आया मैंने इसमें 1 कप और डाल दिया, तो बार्स तो बन गई लेकिन वो बड़ी जल्दी ना ऐसे टूट जाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इनको बाइंडिंग के लिए ज़्यादा लिक्विड चाहिए था। और ये देखें भर के मैंने डाल दी, और पहले स्टिकी सा था मिक्सचर और अब बिल्कुल लाइट सा हो गया। चलें कोई बात नहीं, खुद ही खाना होता है, ज़्यादातर तो मैं बार्स नहीं बनाती, इस बार पता नहीं क्यों मेरा दिल था कि मैं बार्स बनाऊं। ये सारी जो है ना क्वांटिटी की गेम होती है, बस अपनी मर्जी से जितनी मर्जी हनी डालें, जितना मर्जी बटर डालें और जितनी मर्जी आप पीनट बटर डालें। तो बहरहाल मैं रेसिपी जो है इन्ग्रीडियंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं।
और मैं बार्स के लिए 3 कप्स लिखूंगी, मैं 4 नहीं लिखूंगी, ठीक है। उसके बाद मैंने पार्चमेंट पेपर पे इसको रख के अच्छी तरह से सेट कर लिया और थोड़ी सी मैंने चॉकलेट मेल्ट की है और इसको मैं इसके ऊपर ड्रिजल कर दूंगी और फिर कोशिश करूंगी कि सारी इसके ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई हो जाए। बस इसको मैं ये चॉकलेट लगा के ना तो रूम टेम्परेचर पे पड़ा रहने दूंगी, एकदम आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, आपकी चॉइस है। अभी उतनी देर में मैं ये चॉप करना शुरू हो गई नट्स और बच्चे भी सोने का नाम नहीं ले रहे थे और यकीनन बच्चों को अगले दिन फिर छुट्टी ही करानी थी, तो मैंने फिर इसलिए ज़्यादा तंग नहीं किया। और शहजाद कह रहे थे कि बस मैं तो अभी फिर लेटने लगा हूँ क्योंकि मैंने तो ऑफिस जाना है, मैं तो छुट्टी नहीं कर सकता। वॉलनट्स और आमंड्स को मैं हल्की आग पर टोस्ट करूंगी विदाउट ऑयल। हल्की आग पर टोस्ट करने से उनमें अच्छी सी खुशबू आ जाएगी और वो जलेंगे भी नहीं। हल्का हल्का सा कलर चेंज हुआ है तो उसके बाद मैं इसमें रोल्ड ओट्स डाल दूंगी। ये रोल्ड ओट्स हैं बिल्कुल फ्लैट से, ऐसे लगता है कि प्रेस करके बनाए हुए हैं, ठीक है। और एक दूसरे होते हैं इंस्टेंट ओट्स, वो पाउडरी से होते हैं, तो ये रोल्ड ओट्स इनको कहते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि रोल्ड ओट्स वही वाले हैं वो जो क्वेकर के हम यूज़ करते हैं आमतौर पर, तो नहीं, वो इंस्टेंट ओट्स होते हैं। इनके ऊपर लिखा होता है कौन से हैं, तो जब अगर आपने भी बनाना हो तो आप देख के ले सकते हैं। अच्छा जी, इनको ये जो रोल्ड ओट्स हैं इनको मैं हल्की आग पर टोस्ट कर रही हूँ और दूसरी तरफ ये थे हामी के लिए इंस्टेंट ओट्स से ना मैं जल्दी जल्दी से बना रही हूँ ओट्स। इसके लिए मैंने इंस्टेंट ओट्स लिए हैं, साथ में शुगर ली है और इसके अंदर मैं साथ में दूध डाल दिया है, तो बस इसे पकने दूंगी, ठीक हो जाएगा तो मैं इसे हटा दूंगी चूल्हे से। ये देखें जी, ठीक हो गया, कस्टर्ड जैसी कंसिस्टेंसी है तो मैं इसे हटा दूंगी। कस्टर्ड से थोड़ा सा थिन है क्योंकि जब ये ठंडा होता है ना तो थोड़ा सा और थिक हो जाता है। जो रोल्ड ओट्स मैं टोस्ट कर रही हूँ ना वो भी बगैर किसी ऑयल के टोस्ट कर रही हूँ और उनको भी आपने 5 से 6 मिनट हल्की आग पर टोस्ट करते रहना, जरा से सॉफ्ट होते हैं और इनको आपने क्रंची सा कर देना है। तो ये देखें थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है और थोड़े से क्रंची हो चुके हैं, तो मैंने इसमें डाल दिया है बटर, हनी और साथ में ऐड कर दूंगी ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर जो है ना वो कई ब्रांड्स की ऐसी होती है कि वो खुद से मेल्ट ही नहीं होती है, तो उस केस में हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि हमें ग्रैनोला में बिल्कुल भी ना चीनी नहीं चाहिए, चीनी का टेक्सचर नहीं चाहिए। सो इसको मैंने मिक्स किया और मैंने देखा कि नहीं मेल्ट नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने और पानी चाहिए होता है उसको, साथ ही ये मेल्ट हो जाएगी। और उसके बाद आप इसमें ओट्स डाल दें और इनको इतना टोस्ट करना है कि दोबारा से मॉइस्चर सारा का सारा इवेपोरेट हो जाए, मेक श्योर कोई मॉइस्चर इसमें ना रहे और फ्लेम आपने पूरी रेसिपी में हल्के से हल्का रखना है। अब मैंने इसमें डाल दिया पम्पकिन सीड्स और ये है जी क्रैनबेरीज ड्राइड और ये है ड्राइड ब्लूबेरीज। ये सब कुछ ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो आप स्किप कर सकते हैं या फिर वो जो रेजिन होते हैं ना वो भी डाल सकते हैं। बस इसको मैंने मिक्स कर लिया, वो चूल्हा बंद कर दिया भाई, ये फाइनल जो चीजें डाली हैं इनके लिए चूल्हा ऑन रखने की जरूरत नहीं थी। अब मैं वेट करूंगी जी ये रूम टेम्परेचर पे ठंडे हो जाएं और जाहिर है वीडियो बनानी होती है तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो स्किप करके आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट बात दिखानी होती है, तो बस इसके अंदर अब हम डाल देंगे। अगर आप गरम गरम ओट्स डालेंगे मतलब ग्रैनोला डाल के स्टोर कर देंगे ना तो उसमें फिर से मॉइस्चर डेवलप हो जाएगा, तो ये ग्रैनोला जो है ना 1 मंथ तक रूम टेम्परेचर पे नहीं रह सकेगा। बहुत हेल्दी ऑप्शन होता है, बहुत मज़े का ऑप्शन होता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस ये अब मैं ये इसकी कटिंग कर लूँगी जो राइस क्रिस्पीज हैं और इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, बहुत मेहनत करती हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।